हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सीयूईटी फेज 5 का जो एग्जाम 23 अगस्त को होने वाला था, उसको लेकर कई स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो सभी का पोस्टपोन हुआ है या कुछ डेफिनेट स्टूडेंट का ही पोस्टपोन हुआ है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सीयूईटी की तरफ से एक नोटिस भी प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि कंडक्ट ऑफ द फेज 5 ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि सीयूईटी फेज 5 के एग्जामिनेशन को लेकर एक नोटिस प्रोवाइड की गई है। ये सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम इस नोटिस पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां मेंशन किया गया है कि फेज 5 ऑफ द सीयूईटी 2022 विल आल्सो कंटिन्यू ऑन 23 अगस्त 2022 ट्यूजडे। यानी कि जिन स्टूडेंट का एग्जाम है फेज 5 का 23 अगस्त को, उनका एग्जाम आज होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों का पोस्टपोन हुआ है जिनका कंपार्टमेंट एग्जाम आज लगा हुआ था। यानी सीबीएसई बोर्ड का भी कंपार्टमेंट एग्जाम आज से होने वाला था। जिन स्टूडेंट का कंपार्टमेंट एग्जाम आज है और वो सीयूईटी का भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, इन्होंने फॉर्म फिल किया है, एडमिट कार्ड इशू हो गया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, सबका पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो ये डाउट आप अपना क्लियर कर लीजिए कि सबका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम भी लगा है तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, और एनटीए की तरफ से आपको ईमेल भी प्रोवाइड की जाएगी कि आपका जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो कब शेड्यूल किया जाएगा। तो अभी की यही इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है अगर आपका कंपार्टमेंट नहीं लगा है। तो ये आपकी नोटिस सीयूईटी की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, जो मैंने आपको बता दी है। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।